सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज किस फ्रेंड से बताने वाला, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। व्हाट्सएप से पूरे अकाउंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का लिमिट वहाँ पर चेक कर सकते हैं, फास्टैग की सर्विस, बिल पेमेंट, डिश रिचार्ज की सर्विस ले सकते हैं। आज किस फ्रेंड से बताने वाला हूँ व्हाट्सएप से अकाउंट की हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे, आज की इसमें पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, बड़ी पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, बैरिकिंग प्रेस लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। आपको कोई सा एक ब्राउजर ओपन करिए, गूगल या क्रोम को ओपन कर लेंगे। चलिए मैं गूगल को ओपन करता हूँ। गूगल को ओपन करिए, आपको यहाँ पर टाइप करना कोटक महिंद्रा बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर, ये नंबर आपके पास खुल कर जाएगा। ये नंबर आपको अपने फ़ोन में टाइप करके सेट कर लेना। चलिए यहाँ पे मैं फ़ोन अपना डायलर खोल लेता हूँ। इसमें यह टाइप करना है आपको यहाँ पे 022, ये नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये नंबर लिखिए 022660002। ये नंबर आपको अपने फ़ोन में सेट कर लेना। देखिए पहले से मैंने नंबर सेट कर लिया कोटक महिंद्रा बैंक के नाम से। चलिए यहाँ पे मैं इसको बैक कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे व्हाट्सअप एप्लीकेशन यहाँ पे आपको ओपन कर लेना। व्हाट्सअप एप्लीकेशन जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टैप करना, जो जिस नाम से मैंने आप जिस नाम से वहाँ पर नंबर सेव करेंगे उसी नाम से आपको सर्च कर सकते। यहाँ पे कोटक के नाम से यहाँ पे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक से करना है। ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने का देखिए यहाँ से पूरे अकाउंट का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, बैलेंस मेंटेन आपके अकाउंट में कितना बैलेंस स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक ने व्हाट्सअप सर्विस जारी कर दिया, या भाई SBI ने चालू कर दिया, ICICI बैंक ने, HDFC बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, ये सब बैंक ने अपना व्हाट्सअप बैंकिंग नंबर जारी कर दिया। व्हाट्सअप से पूरे अकाउंट का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट में अकाउंट यहाँ पर अकाउंट डिटेल से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट डिटेल से लिख के यहाँ पे सर्च करें। सिंपली आप अकाउंट भी लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल से लिख कर जैसे ही सर्च करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पे, चलिए यहाँ पे अकाउंट के डिटेल्स ही सिर्फ सिंपली मैं यहाँ अकाउंट लिख के सर्च कर देता हूँ। अकाउंट लिख के सर्च करेंगे देखिए यहाँ पर कुछ समय आपको वेटिंग करें। देखिए आपके पास पूरे यहाँ पर सर्विस खुल कर आएगा। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे वही अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ में कितना ट्रांजेक्शन है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई फॉर फास्टैग की सर्विस ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट का स्टेज चेक करते हैं, क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के, यहाँ पे 800 का ये कोटक का या रिचार्ज, मोबाइल DCI की सर्विस ले, लोन ले सकते हैं, ATM ब्रांच ये कर सकते हैं, प्रोफाइल अपडेट यहाँ पे अप्लाई न्यू, यहाँ पे चेट विद KY की यहाँ पे ये सब सर्विस ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक टाइप करना है। देखिए आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स खुल के यहाँ पे जाएगी। सिंपली मैंने एक टाइप करा यहाँ पे, देखिए अगर एक यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ हमने कितना ट्रांजेक्शन है वो चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेकबुक स्टेटस यहाँ पे चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेकबुक लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एक वन लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे सेंड करेंगे देखिए आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है टोटली वहाँ पर ऑटोमेटिक खुल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बतला रखो प्रॉब्लम, प्लीज़ इंटर 6 डिजिट OTP, सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर वेरीफिकेशन एंड टू रजिस्टर फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए ये मेरे पास आ गया, ये यहाँ पे मैं मैसेज यहाँ पे डाल के मैं सेंड कर देता हूँ। जो मेरे पास मैसेज है वो फटाफट से यहाँ पे मैं टाइप करके भेज देता हूँ। अब ये नंबर मैंने सेंड कर दिया है। सेंड करने के बाद क्या रीजन मेरे पास आता है वहाँ पे, चलिए मैं आपको लाइव ही दिखला देता हूँ। देखिए मेरे अकाउंट में जैसे मैंने नंबर टाइप करा, मेरे अकाउंट में देखिए अकाउंट बैलेंस 0 बैलेंस, यानी कि अभी मेरे कोटक महिंद्रा में कोई बैलेंस मैंने मेंटेन करके नहीं रखा, मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है। इस तरह से देखिए अगर और भी आपको सर्विस यहाँ पर चेक करना, तो वो देखिए लास्ट 3 मंथ में कितना ट्रांजेक्शन करना, चलिए यहाँ पर मैं 2 टाइप कर देता हूँ। 2 टाइप करके मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे देखिए कोई मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ, प्लीज़ इंटर दिस लास्ट 4 डिजिट ऑफ़ योर अकाउंट नंबर, यानी कि आपको लास्ट का 4 डिजिट अकाउंट नंबर डालना है। आपके वहाँ पे कितनी 3 मंथ में ट्रांजेक्शन है वो आपकी लिस्ट वहाँ पे खुल कर आ जाएगी। जैसे और भी सर्विस आपको यहाँ लाना, अगर चेकबुक रिक्वेस्ट करना है तीन टाइप करके वो सेंड कर देना है, और स्टेटस चेक करना चाहते हैं यहाँ पे आपको 4 टाइप पर सेंड कर देना है। चेकबुक रिक्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे 5 टाइप करके आपको भेज देना है। जैसे यहाँ पर मैं देखिए आपको स्टेटमेंट में चेक करके देखाऊँगा, मैंने यहाँ पे देखिए लास्ट में प्रोफाइल यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे 12 नंबर पे प्रोफाइल में यहाँ पे लिख के मैं टाइप करके सेंड कर देता हूँ। मेरे पास क्या रीजन आता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली का रीजन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अकाउंट का लास्ट अकाउंट नंबर मुझे भी मालूम नहीं, मैं अकाउंट नंबर ही आपको लास्ट का 6 4 डिजिट आपको नंबर डालना पड़ेगा। सेंड करना आपके अकाउंट का हिस्ट्री वहाँ पे स्टेटमेंट कितना करें वो सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोन का स्टेटस चेक करने से क्रेडिट कार्ड है, चलिए यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड के यहाँ पे स्टेटस चेक करूँ, 3 टाइप कर देता हूँ यहाँ पे मैं डेबिट का। क्या रीजन आता है वो रीजन आपके पास यहाँ पे खुल के ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे मेरे पास वही आया है, अकाउंट का 4 डिजिट नंबर मांग सकते हैं। इस तरह से ये सिंपल सा ट्रिक यूज करके कोटक महिंद्रा बैंक में व्हाट्सएप नंबर जाइए, नंबर का टाइप करके वहाँ पे कोटक महिंद्रा के पूरे अकाउंट के डिटेल्स चेक करते हैं, आपके अकाउंट में कितना मिले स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड का डिटेल वहाँ पे स्टेटस चेक करते हैं, बिल पे कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, ये सारी सर्विस आप कोटक महिंद्रा बैंक में ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।